नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर भरत कोतरू, फुट एंड वूंड केयर स्पेशलिस्ट, फील्ड फुट डिपार्टमेंट, एडवांस फुट एंड वूंड केयर सेंटर, अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज से रिलेटेड एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन डायबिटिक फुट के बारे में। डायबिटिक फुट क्या होता है? डायबिटीज़ के साथ साथ डायबिटिक पेशेंट में पैर की नसें कमज़ोर हो जाती, जिसमें महसूस करने की शक्ति कम हो जाती, जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसमें न गर्म का पता चलना, ठंडे का न पता चलना, किसी चोट का न पता चलना, जिसकी वजह से जख्म होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। उस जख्म के ऊपर इन्फेक्शन होना जो पैर काटने का कारण बन सकता है। दूसरी प्रॉब्लम, खून का बहाव पैरों में कम हो जाना। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि पैर की उंगलियाँ काली हो जाती है, जिसको गैंग्रीन भी बोलते हैं। ये खून का बहाव कम होने की वजह से हो सकता है, या जख्म न ठीक होना खून के बहाव की कम होने की वजह से हो जाता है, जिसको हम पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ बोलते हैं। ये देखा गया है डायबिटीज़ वाले 50% लोगों में दोनों चीज़, नसों की कमज़ोरी भी होती है और खून का बहाव भी पैरों में कम होता है। तीसरी प्रॉब्लम, पैर की बनावट बदलना डायबिटिक पेशेंट्स में, जिसकी वजह से प्रेशर्स बढ़ जाते। जैसे अगर किसी पेशेंट्स में गोलाई बढ़ जाता, प्रेशर आगे या पीछे आ जाता, या उंगलियां थोड़ी सी, अंगूठा टेढ़ा हो जाना, या उंगलियां बींगी हो जानी, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा आना, वो एक कारण बन सकता जख्म होने का। कुछ लोगों में डायबिटीज़ के साथ साथ पैरों में अकड़नपन भी आ जाती, उंगलियों में और गिट्टे के पास, जिसकी वजह से उनकी चलने का पैटर्न, उनका जो गेट हम बोलते वो भी चेंज हो जाता, उससे भी जख्म होने का खतरा रहता है। कुछ अदर प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे पोरी बनना, या जिसको आप, और कैलस सख्त मांस बनना जिसमें इन्फेक्शन होने का खतरा है, प्लांटर वार्ट्स जो आप मोका कुछ लोग बोलते वो भी पाए जाते डायबिटिक फुट के पेशेंट्स के पैरों में, फंगल इन्फेक्शंस होते ये बहुत ज़्यादा होते इनके टो स्पेसेस में, नाखून के ऊपर फंगस आना, या नाखून बींगा हो जाना, या नाखून अंदर खुप जाना, जिसको इनग्रोन टोनेल भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत बड़ा जख्म बनने का कारण हो सकता डायबिटिक पेशेंट्स में। ये देखा गया डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स में लाइफ टाइम में 15-25% डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक फुट होने का खतरा रहता ही रहता है, और हर 20 सेकंड में एक पैर कट जाता वर्ल्ड वाइड शुगर के कारण। सो ये एक अच्छी बात है कि देखा गया 85% पैर, लोगों के पैर बचाए जा सकते अगर उनको टाइमली असेस किया जा सकता, आइडेंटिफाई कोई कारण पता लगे कि क्या पैरों में प्रॉब्लम है, और उनको मैनेज टाइमली किया जा सकता। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी पेशेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए, उनको अपने पैर की 5 उंगलियों का ध्यान रखना चाहिए। 5 उंगलियां समझ लीजिए ये हैं, जैसे अंगूठा, दैट मीन्स उनको फुट चेकअप, पैरों का चेकअप करना। हर डायबिटिक पेशेंट्स को अपने पैर चेक कराने ही कराने चाहिए साल में एक बार, चाहे तकलीफ है या नहीं है। दूसरा, फुट केयर, पैरों का रखरखाव, पैरों का पहनावा। तीसरा, फुटवेयर। देखा गया 75% डायबिटिक पेशेंट्स में डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो जख्म हो जाते वो गलत पहनावे, फुटवेयर, इल फिटिंग फुटवेयर जिनको बोलते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। इसलिए प्रॉपर फुटवेयर पहनना ज़रूरी है। फुट एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज, जिससे स्टिफनेस ठीक हो जाएगी और साथ में सर्कुलेशन, पैरों का सर्कुलेशन भी बढ़ जाता है। लास्ट 5वां, हेल्दी फूड मीन्स अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा खान पीन, जिससे शुगर भी कंट्रोल रहेगा और साथ में उनका न्यूट्रिशन, चमड़ी का न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिल जाएगा, और जख्म अगर हुई है तो वो जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये वीडियो इसलिए बनाया गया कि आपको अवेयर किया जाए टाइमली डायबिटीज़ की ये कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटिक फुट है, जिससे आप अपने पैरों को टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाए, ताकि आपके पैर कटने से बच जाए और आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो। क्योंकि डायबिटिक फुट ऐसी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में स्टे करने का कारण डायबिटिक फुट है डायबिटिक पेशेंट्स में, और सबसे महंगा ट्रीटमेंट है इसका डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन में। सो इस चीज़ में अगर हम
टाइमली चेक कराए और टाइमली उसको ट्रीट कराए तो हम पैर कटने से बचा सकते हैं। तो मेन मकसद है सेव लिम्ब सेव लाइफ, मीन्स पैर बचाओ जान बचाओ। थैंक यू।